सलमान खान की रेस 3 को फैंस की तरफ से काफ़ी नेगेटिव रोल मिले थे, लेकिन पर्दे पर फिल्म ने धमाल मचा दिया था। मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। फिल्मों में बॉबी देओल ने एक्शन अवतार में नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉबी देओल फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से सिद्धार्थ फिल्म साइन नहीं कर पाए थे। रेस 3 के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हमारे बीच कोई भी क्रिएटिव इशू नहीं था। उस वक्त मेरे पास और भी कई प्रोजेक्ट थे, तो मैं ये फिल्म साइन नहीं कर पाया। मेरा पास टाइम लिमिटेशन थी, वो लोग फिल्म तुरंत शूट करना चाहते थे और मैं ये नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैं ये फिल्म नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि रमेश तैरानी और सलमान खान के साथ काम करना काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके साथ काम करूँ। बता दें कि रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित फिल्म रेस 3 में पहले दिन का कलेक्शन 29.17 करोड़ की कमाई थी। सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक साथ पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी ट्विस्ट से कम नहीं होता। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी फिल्म मरजावा के प्रमोशन में बिजी हैं। इस मूवी में रितेश देशमुख और तारा सुतारिया भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे और 15 नवंबर को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।